प्रज्ञा शिशु विहार प्रज्ञा प्राथमिक विद्यालय व रमणलाल शहा माध्यमिक विद्यालय येथे दिनांक 18 ऑक्टोबर 2019 रोजी सायंकाळी 4 वाजता पुणे हेरिटेज राऊंड टेबल इंडिया 142 यांच्या मार्फत बांधण्यात आलेल्या 4 वर्ग खोल्यांचे उद्घाटन करण्यात आले. या कामी विद्यालयातील उपशिक्षक सुहास गवळी व ऋषिकेश पळसे यांनी मोलाचा पाठपुरावा केला. या प्रसंगी प्रमुख पाहुणे राऊंड टेबल इंडिया या संस्थेचे अध्यक्ष पियुष डागा, कपिल शहा, हितेश केरिंग, रोहन खिवसार, करण सचदेव, सुधीर खंडेलवाल, राहुल गर्ग हे सर्व राऊंड टेबल इंडियाचे सदस्य सहकुटुंब उपस्थित होते. तसेच लोकमतचे पत्रकार गंदाले, सकाळचे पत्रकार कृष्णकांत कोबल, महाराष्ट्र टाइमचे दिगंबर माने, प्रभातचे काटमोडे गिरी उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक संस्थेचे सचिव बडेकर सर यांनी केले. त्या संस्थेची वाटचाल रमणलालजी शहा साहेब यांचे योगदान व 4 वर्गखोल्यांसह इमारत सुशोभीकरणामध्ये राऊंड टेबल इंडिया 142 ने केलेले सहकार्य नमूद करून आभार व ऋण व्यक्त केले. यापुढेही ज्यादा वर्गखोल्यांची आवश्यकता असल्याने आपले सहकार्य मिळावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली. रोहन खिवसारा यांनी आपल्या मनोगतात राऊंड टेबल इंडिया बाबत माहिती दिली. राऊंड टेबल इंडियाची स्थापना 19 जानेवारी 1898 इर्मिनियो विल्यम लुईस मर्चेसी यांनी केली. अडॉप्ट इम्प्रूव्ह या ध्येयानुसार व फ्रीडम थ्रो एज्युकेशन हे ब्रीद मनात ठेवून संपूर्ण जगभर प्रत्येक दिवशी 1 वर्ग खोली या प्रमाणात 6189 वर्गखोल्या बांधून 2588 शाळांना राऊंड टेबल इंडियाने मदतीचा हात दिला आहे. अशा प्रकारे राऊंड टेबल इंडियाचे कार्य अविरतपणे सुरू राहील अशी माहिती दिली. या कार्यक्रमास राऊंड टेबल इंडियाचे पदाधिकारी सहकुटुंब उपस्थित होते. हर्षा खंडेलवाल, रिवा सचदेव, महिमा बोरा, पूनम खिवसारा यांच्यासह उपस्थित असलेल्या छोट्या मुलांनी शालेय विद्यार्थ्यांना वयाचे वाटप करून दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या. या प्रसंगी संस्थेचे अध्यक्ष अशोक सुरवसे, सचिव बळीराम बडेकर तसेच सर्व संचालक, मुख्याध्यापिका वैशाली नाईक, सुवर्णा ससाने व कविता बडेकर तसेच पालक सदस्य व शिक्षक उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन अर्चना ताजने व संतोष हिंगणे यांनी केले. मैं राउंड टेबल इंडिया का सदस्य हूँ. जो पूना एरिया आता है, पूना का मैं एरिया चेयरमैन हूँ. राउंड टेबल इंडिया ने यहाँ पे फुरसुंगी में हम लोग ने ये स्कूल बनाया है, रमणलाल शाह विद्यालय. यहाँ पे हम लोग ने 4 क्लासरूम किए और पूरा जो स्कूल का रेनोवेशन का काम है हमने किया है. राउंड टेबल इंडिया ये एक नॉन पॉलिटिकल नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे हम लोग काफ़ी कम्युनिटी सर्विस का काम करते हैं. फ्रीडम थ्रू एजुकेशन ये हमारे ग्रुप का मोटो है, जिसके तहत हम लोग ने ऑलमोस्ट 2800 स्कूल्स पूरे देश भर में बनाए हैं. ऑलमोस्ट 7000 क्लासरूम्स एंड दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट वी हैव डन. एंड वी हैव ह्यूज CSR पार्टनर्स लाइक प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कॉग्निजेंट, NDTV, कोको कोला, बजाज, हु हैव सपोर्टेड आर कॉसेज इन द पास्ट. एंड दिस पर्टिकुलर स्कूल इज थ्रू द CSR फंड्स रिसीव्ड फ्रॉम बजाज ऑटो. सो दे आर आर CSR पार्टनर एंड वेरी हैप्पी टू बी हियर. एक संस्था है जो 1962 में भारत में आई थी. 1997 से हमने फ्रीडम थ्रू एजुकेशन के माध्यम से एक काम चालू किया है, जिसमें हम गरीब बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करने का काम करते हैं. इन 22 साल में हमने करीबन 6800 क्लासरूम बनाए हैं. 2800 प्रोजेक्ट में 280 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है. और आज के डेट में राउंड टेबल इंडिया पूरे भारत में लगभग 1 क्लासरूम का आयोजन दिन का कर रही है, जिससे करीबन 70 लाख बच्चों का भविष्य सुधार में आएगा. राउंड टेबल इंडिया एक जीरो ओवरहेड ऑर्गेनाइजेशन है. सो हमारे को जितने भी चैरिटी का पैसा जमा होता है, हम पूरा का पूरा पैसा हमारे योजना में लगा लेते हैं, फ्रीडम थ्रू एजुकेशन में. पिछले साल से हमने फ्रीडम थ्रू एजुकेशन के साथ साथ एक नया मुहिम चालू किया है, जिसका नाम है एम्प्लॉय इंडिया. एम्प्लॉय इंडिया में जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्कूल में पढ़े हुए बच्चे हैं, 18 साल के ऊपर पढ़े हुए बच्चे हैं, हम उनको रोजगार दिलाने का कोशिश करते हैं. इस योजना में पिछले साल हमने करीबन लगभग 700 बच्चों को जॉब प्रोवाइड किया है, और हमारी कोशिश है कि इस साल हम उससे ज़्यादा लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सकें. जनता न्यूज़ साठी राकेश वाघमारे, पुणे.